दिल्ली विश्वविद्यालय DU ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी के Z+ सुरक्षा प्राप्त नेता राहुल गांधी का ऐसा आचरण मर्यादा से परे है। अध्यक्ष KP सिंह द्वारा भेजे गए 2 पेज के नोटिस में कहा गया है कि यह घटना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जैसी है, उनसे भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने के लिए कहा गया है। DU ने ये नोटिस क्यों भेजा, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय को ये नोटिस भेजना पड़ा, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल 5 मई को राहुल गांधी ने DU के हॉस्टल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कुछ छात्रों के साथ बातचीत की थी और उनके साथ लंच भी किया था। अपनी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा की थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कई मुद्दों पर भी बातचीत की थी। बाकायदा इस बातचीत का वीडियो भी राहुल गांधी ने छात्र छात्राओं के साथ बनाया और अपने YouTube चैनल और सोशल मीडिया पर शेयर किया। DU दौरे पर फोटो वीडियो भी वायरल हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर अध्यक्ष KP सिंह ने 2 पेज का नोटिस राहुल गांधी को 5 दिन बाद भेजा। 2 पेज के नोटिस में कहा गया कि यह घटना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जैसी है, उनसे भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने के लिए कहा गया। KP सिंह का कहना है कि 3 गाड़ियों के साथ राहुल गांधी का पर्सन में अप्रत्याशित प्रवेश, मतलब कि बिना सूचना दिए हुए प्रवेश, हॉस्टल के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में छात्रावास की सूचना और नियमों पुस्तिका के मुताबिक इसमें कहा गया है कि कोई भी निवासी हॉस्टल परिसर में अचानक से नहीं आ सकते, ना ही कोई गतिविधियां कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने 9 मई को कहा था कि विश्वविद्यालय राहुल गांधी को बताएगा कि इस तरह उनका दौरा छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, इस तरह की किसी भी बातचीत के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। रजिस्ट्रार ने कहा था कि राहुल गांधी कई बाहरी लोगों के साथ हॉस्टल में आए, यह एक अनधिकृत दौरा था। जब वह कैंपस में आए तो कई छात्र लंच कर रहे थे, हम इसे कैंपस में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टूडेंट विंग्स नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव था। हालांकि रजिस्ट्रार ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई भी दबाव नहीं है, यह पूरी तरह से अनुशासन का मामला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी दिल्ली के चांदनी चौक, मुखर्जी नगर जैसे इलाके में घूमने निकल पड़े थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पिछले दिनों उन्होंने मुखर्जी नगर पहुंचकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।